कैसे हो आप सब आई होप सो गाइज यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट एंड फाइन सो गाइज आज की वीडियो बहुत कमाल की होने वाली है आपको पता है कि इसराइल के ऊपर काफी ज्यादा अटैक हो रहे हैं हाँ। हमसा, 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 हमसा ग्रुप की तरफ हमास, हमसा Sorry, हमास, हमास 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 की तरफ, तरफ से, से? इसराइल और फलस्तीन का जो झगड़ा चला हुआ है तो वो तो भाई मतलब अलग सिरे पे वर्ल्ड नंबर थ्री के कगार पे ही पहुंच गए एंड फिलहाल आज की वीडियो जो है मेन वो बहुत अमेजिंग होने वाली है क्योंकि वीडियो होने वाली है एक हिंदू पंडित की तो हम इनकी पहले भी बहुत सी वीडियोस देखी हुई है कि, कि कभी कोई मामला होता है ना ऐसे कुछ लड़ाई झगड़े का या ऐसे होती है कोई चीजें तो ये अपना <coughs> तर्क जरूर रखते हैं और एक कमरे में रहते हैं भाई ये चीज है ना अभी एक रूम में ये तो मीडिया वाले जाते होंगे इनके पास तो फिलहाल देखते हैं वीडियो है मस्जिद अल में ताबूत सकीना

तब आपकी इंसानियत खत्म नहीं होगी जब लोग ऊपर अल्लाह से अपने भगवान से मिलते नजर आएंगे तब आप लोग तो सच में उसके अंत का अंजाम आ चुका है अंजाम ये होगा उसका अंत इसराइल नक्शे पे नहीं दिखेगा मैं तो हमें हमें अल्लाह पाक की अब कसम है अल्लाह के प्यारे नबी प्यारे महबूब की कि उनके उम्मदी जो बहत्तर में करबलाक मैदान में हावी पड़ गए थे ना

तो मैं फिलिस्तीन के नागरिकों की सेवा करना चाहता हूँ मेरे पास पासपोर्ट है कैसे देख रहे हैं अब तो दर्दनाक घटना फलिस्तीन में घटती जा रही है देखिए कहीं ना कहीं कहीं हार कहीं जीत जब फिलिस्तीनी कूदे हैं वहां पर वायरसूट के माध्यम से वहां इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि लगभग 1200 सौ इसराइली मारे गए तो एक हजार फिलिस्ती मारे गए पहली बार इतिहास में जो डंका पीड़ा करते थे कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता हाँ। ये इसराइल के मामले थे लेकिन फिलिस्तीन ने घर में घुस के मारा दूसरी महत्वपूर्ण बात यह जो आज लोग बोल रहे हैं कि मुसलमान क्यों फिलिस्तीन का सपोर्ट कर रहे हैं हिंदुस्तान के मुसलमान क्यों सपोर्ट कर रहे हैं तो करते हो रहे भारत के मुसलमान तो, फिलिस्टिय्ट, तो फिलिस्टिय्ट। कुरान में एक आयत लिखी है हाँ। सुबहान अल्लाजी असरा बेहदी लैम मिनल मस्जिद हराम हुँ। हरम हुँ। इलेल मस्जिद अक्सा वो जो अल्लाह की जात जिन्होंने अपने अल्लाह अपने प्यारे नबी अपने प्यारे महबूब को रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक का सफर कराया और वहीं से वो जन्नत में भी गए थे एक लाख चौबीस हजार नबियों को उन्होंने वहां नमाज अदा कराई थी और मैं आपसे पूछता हूं आज मैं एक सवाल रखता हूं आज मैं पूरी दुनिया को समझा दूंगा कि इज़राइल का मसला क्या है एक सेकंड के लिए आप अपना माइक छोड़िए अगर ये आपका लोकतंत्र का माइक है इसमें आपका पैसा लगा है ये आप लीजिए आपकी जमीन है मैं इसे कब्जा कर लू आप मुझे इससे वापस लेने के लिए जो संघर्ष करेंगे क्या उसे आप आतंकवाद कहेंगे क्या उसे आप आतंकवाद कहेंगे क्या कहेंगे उसे आप ये जमीर की लड़ाई है मैंने क्या कहा अगर मैं आपके आप, मैं, मैं आपके पास गया मैंने आपसे कहा दे भाई कुछ दिन के लिए एक माइक आप भी यूज कर लिया करो मुझे भी यूज करने दिया करो आपने ये माइक मुझे यूज करने के लिए दे दिया और फिर मैंने इस पर कब्जा कर लिया मैंने इस पर क्या कहा यार कब्जा कर लिया आप इसे छुड़ाने के लिए जो संघर्ष करो तो क्या उसे आतंकवाद कहा जाएगा नहीं ना उसी तरह फिलिस्तीनियों को भी आतंकवादी कह नहीं सकते आप हमासियों को भी आतंकवादी नहीं कह सकते आप लेकिन ये चीजें फिलिस्तीन आज करीब काफी सालों से करता आया है हम ये नहीं कह रहे कि हमारा जो किया वो सही है लेकिन किसी को उकसाना उतना ही गलत है कब तक कोई बर्दाश्त करेगा ये बात है आपका यूएन की रिपोर्ट है यूएन की रिपोर्ट है ढाई लाख से ज्यादा फिलिस्तीनियों को अब तक मार चुका है इन छह सात सालों में क्या समझ रहे हैं आप इसराइल को इसराइल एक बेबुनियाद शहर देश है इसका कोई अस्तित्व नहीं है वो कब्जा किए हुए जमीन पे है सर कब्जा की हुई जमीन पे पंडित जी देश, देश का मुसलमान किसके साथ है पचहत्तर साल पूरे देश देश हो देश चुके हैं मस्जिद अक्सा को पचहत्तर पचहत्तर साल बाद नमाज की स्थिति है नमाज पढ़ाई जाएगी गांजा पट्टी में मैं जाम मस्जिद जाऊंगा जुमे की, उस नमाज में शामिल रहूंगा और अल्लाह से दुआ करूंगा अब

ऐसे लोगों को मिलना चाहिए जिन्होंने अपने वतन के लिए अपने मुल्क के लिए अब, अब तक वो लड़ रहे हैं संघर्ष कर रहे हैं इजराइल के निशाने पर होंगे आप मतलब इसराइल इतना भी अब गिर गया है कि अब वो सबको मानना शुरू कर दिया तो आप वहां सेवा करने जाएंगे बिल्कुल इमामों का नहीं मिलेंगे लोगों से वहां लोगों से मिलेंगे सेवा किसी की नहीं की जाती सेवा अल्लाह की जाती है कोई की सेवा नहीं पचहत्तर साल बाद मस्जिद असका में गाजा पट्टी जिसको कहा जा रहा है कि पचहत्तर साल बाद जुमे की नमाज अदा की जाएगी वो दिन जो पचहत्तर साल पहले आप वहां मारपीट करेंगे नमाजियों को वहां पे लात मारी जाएगी दुआ करते लोगों को धक्का मारा जाएगा तब आपकी इंसानियत खत्म नहीं होगी जब लोग ऊपर अल्लाह से अपने भगवान से मिलते नजर आएंगे तब आप लोग लात चलवाओगे इसराइली लात चलाएंगे तब बताओ इसराइली आतंकवादी है कि कौन आतंकवादी है अपने ही धर्म को ना मानने देना कौन सा आतंकवाद जबकि वो अल्लाह की बात कर रहे हैं फिर भी वो इस तरह का जुल्म कर रहे हैं सवाल तो इस बात का है कि आप फलस्तीन जाने की बात कर रहे हैं हिंदुस्तान में रहते हुए क्यों प्रधानमंत्री नहीं गए थे प्रधानमंत्री नहीं गए थे वो। मैं देश का नागरिक हूं ना और मुझे भी अपनी बात रखने का अधिकार है मैं भी गद्दारी करने जा रहा हूं मेरे साथ इंडिया की पूरी टीम चले खुद प्रधानमंत्री चले फलस्तीन और जो देख ले मैं क्या बोलता हूँ क्या नहीं करता हूं ये फर्जी बातें हैं क्यों जा सकते भाई हम पासपोर्ट दिखाकर क्या कहना चाहते हैं फिलिस्तीन के लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं कि हिंदुस्तान की चिंता आपको नहीं है आप सीधा जो है 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 की की बात कर रहे हैं हमको है। हमको मणिपुर भी चिंता प्रधानमंत्री को नहीं अठारह से बीस घंटे बोलने वाले वहां के प्रधानमंत्री को फोन करने वाले मणिपुर नहीं मणिपुर पर नहीं बोलते हमने मणिपुर में संघर्ष किया हम कह तो रहे हैं कि जो लोग कह रहे हैं कि हमें इसराइल भेजो हमें फिलिस्तीन के खिलाफ युद्ध लड़ना है वो पहले मणिपुर जाए अगर मर्द है तो प्रधानमंत्री से हम मेरे मणिपुर भेजे आपने तो बता दिया ना कि हम असली मर्द हमको भेजो मैंने क्या कहा आप अगर ये लोग कहते हैं ये उस पर है जो कहते हैं मुझे इसराइल भेजो हमें युद्ध करना है फिलिस्तीन के खिलाफ तो हमें फिलिस्तीन भेजो हमें इसराइल की फिलिस्तीन की तरफ से लड़ाई लड़ेंगे आप लड़ेंगे देश इजराइल के साथ है पंडित जी मैं आपको बता दूं फिर आप बताइए कोई भी अपनी मिट्टी अपनी जमीन की लड़ाई लड़ेगा हम भी हमारे यहाँ भूलिए मत हमारे यहाँ अंग्रेज हमने भी छोड़वाया है हमें वो दर्द पता है आपको कोई अगर रोहिंग्या मुसलमान इस देश में कब्जा कर ले और हम छुड़वाएंगे तो क्या हम आतंकवादी हो जाएंगे क्या बात करते हो भाई किसी दूसरे दूसरे देश से आ गए हो हिटलर ने भगाया प्रधानमंत्री के खिलाफ है मैं प्रधानमंत्री के खिलाफ नहीं हूं प्रधानमंत्री ने जो स्टेटमेंट दिया सारे प्रधानमंत्रियों को छोड़ दिया भारत की नीति हमेशा शांति प्रिय रही है उग्र रही है अगर आप उग्रता का प्रदर्शन करेंगे आप इसराइल के जुल्मों को नजरअंदाज करेंगे तो देश की जनता जो विरोध कर रही है और ये 40 करोड़ मुसलमानों की आस्था का सवाल है लेकिन सवाल तो इस बात का है ना ये ताबूत सकीना की बात चल रही है कि अलक्सा मस्जिद में जो है ताबुत सकीना का मामला है वो वजह से वो नहीं है वो गायब हो चुका है नबी के नबी के पास है और नबी ही उसको जानते हैं क्योंकि आखिरी उम्मत पूरे उम्मत के आखिरी नबी जो है आखिरी आखिरी जो नबी है जो अल्लाह के प्यारे महबूब है, है, हैं प्यारे हैं वो हजरत मोहम्मद साहब हैं सवाल ये है कि... और सबसे बड़ी बात आज मैं जो आपको जो बताने जा रहा हूँ उसको फिर को सुन के ये कलेजा इलाइयों का थमने वाला है हुआ क्या था कि तवरेद में लिखा है कि अल्लाह एक और नबी भेजेगा तौरेद के बाद कुरान आई कुरान में क्या हुआ तो तौरेद में उन इन इसराइलियों का मानना है कि जो नबी अब अंतिम आएगा वो मेरे उम्मत में आएगा मतलब यहूदी कौम में आएगा लेकिन वो यहूदी में आया ही नहीं वो इस्लाम में आ गया मुसलमान में आ गया yes. इस्लामिक इस्लाम में आ गया अल्लाह खुद भी तो पाठ है इस्लाम का इस्लाम का पाठ है लेकिन वो ले सलाम के याकूब सलाम के वंशज हैं और ये हमारे ये लास्ट पैगम्बर है पूरे उम्मत के हैं और वो नबी हो गए हमारे अल्लाह अल्लाह पाक के प्यारे नबी मोहम्मद साहब तो इनको ये है, ये है नहीं मानते कि आप कोई और नबी आएगा तो ये चाहते कि कोई ये ये से लड़ रहे हैं कि ये जिद अपनी पूरी कर रहे हैं कोई और नबी मेरे में आएगा और मैं इस जंग को लड़के मुसलमानों को खत्म कर दूंगा नहीं मुझे सवाल बताइए तमाम मुसलमान कह रहे हैं कि ताबुत सकीना जो है वो इसराइल के हाथ लग गया है इसलिए अब पूरे कायनात पे जो है धीरे धीरे यहूदियों का कब्जा होने लगा है इसलिए इसलिए देखिए जिस तरीके से फलस्तीन को उसने जो है पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया गया इस बात का सवाल है अभी इसराइल बर्बाद हो रहा है ग्यारह से बाईस बीस इक्कीस दिन रुके इसराइल खत्म हो जाएगा नक्शे से अभी आप पूरी तरह देखे नहीं है जो मीडिया बता रही है जो बता रहा है से वो बता रहा है आपको आप चिंता मत करिए दिन में खत्म इस अगर इसराइल इसी तरह टूटा रहेगा और कहीं ना कहीं जिस तरह विश्व युद्ध के आसार है और दो दो पार्ट हो गया तो इसराइल खत्म हो जाएगा लेकिन ताबूत सकीना तो इसराइल के पास है ना वो बक्सा किसी के पास नहीं है अगर बक्सा होता तो ये रोते ना इनके पास कुछ नहीं है ये वो बक्सा आप नहीं समझ पा रहे हैं किसी भी सोशल एक्टिविस्ट किसी भी अच्छे, अच्छे एक की हम बात नहीं करते नहीं कि एक आम मुसलमान को भी इसके बारे में नॉलेज नहीं है है एक आम मुसलमान को भी इसके बारे में नॉलेज नहीं है। इस आप जंग के आगाज क्यों करें क्यों जाएंगे आप फलिस्तीन क्यों आप लड़ेंगे इसराइल के खिलाफ हम जंग के लिए नहीं जा रहे अमन के लिए जा रहे हैं हमारा भारत अमन के लिए जाता है अमन के लिए तो कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी एक फोन कर देंगे तो दोनों देश रुक जाएंगे कौन मणिपुर को फोन करेंगे बोलो बोलो मणिपुर पे कब फोन करवा रहे हो मणिपुर बेसर मत किया करो देखो इस तरह के व्यंग वाले मजाक वाले काम जब कत्ल हो रहा हो लोग मर रहे हो यूक्रेन और रशिया का रूस में देखे आपने क्या हुआ था तो वहाँ अगर अस्तित्व की लड़ाई थी तो यहाँ भी तो अस्तित्व की लड़ाई है बेकूफो तो रोके थे मोदी जी नहीं रोके थे मोदी जी जी वहाँ पे सिर्फ जो है आके हंसी मजाक किए थे मोदी जी नहीं रोके थे कोई रोका था उनको मोदी जी से मजाक करते हैं मुझे एक बात समझ में नहीं आ रहा चुनावी स्टैंड है ये चुनावी स्टैंड तो है, ये है हाँ। और चुनावी स्टैंड में इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए ये चुनावी है और ये विदेश नीति नहीं ये चुनावी है चुनावी स्टैंड है तो तालिबान भी जा रहे हैं अफगानिस्तान भी जा रहे हैं समर्थन में तालिबान को तो बोलते थे कि तालिबान आतंकवादी हैं प्रधानमंत्री चाय पी के नहीं आए तालिबान के साथ लेकिन अभी तो फलस्तीन की तरफ से जा रहे हैं ना बिल्कुल जाएंगे आप भी जा रहे हैं हम भी जाएंगे तो क्या आप तालिबानी है तो ये बताइए मैं आपसे पूछता हूँ एक सीधा सवाल दीजिए छोटा सा सवाल दीजिएगा क्या इस वक्त जो भारत जो है शांति प्रिय देश था क्या वो किसी की जमीन कब्जा करवाने में किसी का साथ देगा बोलिए देगा तो हम इधर के साथ क्यों देंगे प्रधानमंत्री ने वादा किया हमने नहीं दिया मैं बार बार कह रहा हूं अगर आप किसी की जमीन में कब्जा करोगे किसी को सताओगे

आगाज किए हैं जंग का जंग का अंजाम अंजाम हम फंसाएंगे तो सच में उसके अंत का अंजाम आ चुका है अंजाम ये होगा उसका अंत इजराइल नक्शे पे नहीं दिखेगा कसम कसम है मुझे माँ की कसम है हमें हमारे राम की कसम है हमारे हमें, हमें अल्लाह पाक की अब कसम है अल्लाह के प्यारे नबी प्यारे महबूब की कि उनके उम्मदी जो बहत्तर में के मैदान में हावी पड़ गए थे ना ये ही थोड़ी ही फिलिस्तीनी इजराइलियों को निश्चित नाबूद कर सकते हैं सौ फिलिस्तीनी ही पूरे इजराइल को खत्म कर सकते इतनी ताकत उनके पास है सौ इसराइल सौ देंगे जज्जा उनके अंदर लड़ने का है वो यहाँ के मुसलमान टिट्टो में मुझे नहीं गा रहे हैं नोटंकी नहीं करते नाच गाना नहीं करते वो सच में अपने इस चीज को मानते हैं फॉलो करते हैं जो हमास नहीं कर सका वो फिलिस्ती कैसे कर सकेंगे मिलके करेंगे और भी साथ देंगे इस्लामिक कंट्री अभी कहा कल टर्की ने एक बैठक की है ट्रके ने बैठक की है और भी लोग साथ जा रहे हैं देखिएगा चलिए आप एक चीज देखिएगा इस्लामिक कंट्रिया एक होकर इस्लामिक कंट्रिया एक होकर पूरे विश्व में मिलकर इनको हराएंगी तो देखिए बाल योगी जी महाराज हैं जो अयोध्या से आते हैं इलाहाबाद की धरती से आते हैं सवाल इस बात का है अब तक किसी साधु संत ने अब तक किसी हिंदुओं ने ऐसी बा, ऐसी बातें नहीं करी होंगी ऐसे भाषाओं का इस्तेमाल नहीं करा होगा जो कि भारत के सरजमी से कह रहे हैं कि हम संत हैं और फ, फ, फलिस्तीन के तरफ से हम लड़ेंगे इसराइल के खिलाफ सबसे बड़ा सवाल है लगातार पासपोर्ट दिखा रहे पासपोर्ट लेके जो है अब वो फलिस्तीन जाएंगे और फलिस्तीन के साथ मिलकर वहां के तमाम लोगों का

एंड पूरा इंडिया जी कहता था कि फलस्तीन के साथ गलत हो रहा है बस बुरा या गलत इस चीज को माना जा रहा है कि हमास पे हमास ने जो एकदम से अटैक किया सिविलियंस की मौत हुई जिस वजह से उस चीज को वा, वा, बुरा माना जा रहा है कि एकदम से अटैक कर दिया तो एक टेरर अटैक हो गया तो इस करके था बाकी ये थी वीडियो आपको तो वीडियो पसंद आई होगी एंड बहुत से मौलाना की या स्कॉल की वीडियो आई होंगी तो आप हमें कमेंट करके बताना क्या आप किसकी चाहते हो कि हम उनका बयान सुन के उनकी जो क्या बोलते हैं उनकी जो एडवाइस की उनकी जो उन्होंने जो कहा है उस चीज के लिए हाँ उनका परसपेक्टिव क्या है उस चीज के लिए तो वो जाने सो so, बाकी तो फिलहाल ये वीडियो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग नेक्स्ट वीडियो में